चाकू अमृता ऐसे ही लेकर आ गई थी। अच्छा, जैसे कि पहले से ही वहां पर। यहाँ जी कह रहे थे कि अमृता को वो चाकू पलंग के नीचे से मिला था, जैसे वो चाकू पहले से ही वहां पे था। माँ, आपने फल मंगवाए थे ना? जबकि वो चाकू तो माँ के पास था, और जब मैंने माँ से पूछा था तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो चाकू अमृता के रूम में कैसे पहुंचा। क्या मतलब है इन सब का? मतलब वो तीसरी उंगलियों के निशान माँ के हैं। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि मैं ये चाकू लेकर अमृता के कमरे में गई ताकि इससे वो अपनी जान ले ले और मेरा बेटा फंस जाए? और फिर अगर अमृता को वो चाकू छुपाना होता तो वो पलंग के नीचे क्यों रखती? टेबल पर या बेड पर भी तो रख सकती थी ना। मतलब या तो माँ झूठ बोल रही है या आधा सच बता रही है। भगवान, ये गुत्ती तो उलझती ही जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अमृता मरी भी है या नहीं, और अगर उसकी जान गई है तो किसने ली है उसकी जान? कौन? बुर्का लेडी, इंजेक्शन। नहीं, क्या करूं मैं? कैसे पता करूं अमृता का सच? कैसे निकालूं निहार जी को जेल से? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या कोई हमारे घर से ही निहार जी के खिलाफ काम कर रहा है? क्या उनका कोई अपना ही उन्हें तकलीफ दे रहा है? कौन कर रहा है ये सबको? क्या करूं मैं? कैसे पता करूं सच? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं मैं? ऋतु पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकती। हो न हो ये जरूर मीरा से मिली हुई है, और निहार के सारे सबूत भी यही गायब कर रही है। इतनी रात का किससे फोन पर बात कर रही है ये पता लगाना होगा। कोई बात नहीं प्रतीक जी, आपको लगी तो नहीं आप ठीक हो ना? और आप ये टॉर्च लेके अंधेरे में क्यों घूम रहे हो? लाइट ऑन कर लेते। पहले तुम ये बताओ, तुम इतनी रात गए किससे बात कर रही थी? पानी लेने गई थी, और रास्ते में प्रतीक जी का फोन आ गया। वो कह रहे थे कि ऑफिस में आज काम बहुत है तो घर नहीं आ पाएंगे, तो बस उनसे ही बात कर रही थी। पर आप यहाँ क्या कर रही है? कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जाऊँ? झूठ तो जैसे इसकी जबान पर बैठ गया है, बात बात पर झूठ बोलने लगी है। इस ऋतु का तो सच पता करना ही होगा।
इतना हॉट लग रहा हूँ कि नजरें नहीं हट रही। किसने कहा? मैं आप पीछे देख रही थी। मैं पीछे दीवार देख रही थी। साथ बातें मत बनाइए, लीजिए शर्ट पहन। नहीं ये नहीं, दूसरा दो। क्यों? क्योंकि आज तुमने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, इसीलिए मैं भी आज ब्लू कलर की शर्ट पहनूंगा। कहते हैं कि जो कपल मैचिंग कपड़े पहनते हैं उनका प्यार बढ़ता है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार बढ़ता ही जाए, बढ़ता। अच्छा बच्चू, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। नहीं निहार जी, मेरे पीछे मत आइए। रुचि, ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुझे कोई ना कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा। तू नहीं रो सकती। नहीं, एक बार वकील साहब से बात करती हूँ। हाँ, इसके तो बैटरी लो है, ये चार्ज में लगा के दूसरे फोन से बात करती हूँ। ये हार जी का फोन कहाँ है? जब से हादसा हुआ उसके बाद से मिला ही नहीं। मतलब निहार जी का फोन यहीं कहीं होगा। रहने आजी का फोन, लगता है पड़ी पड़ी इसकी बैटरी खत्म हो गई है। एक काम करती हूँ, फोन ऑफ कर देती हूँ।